सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और BFFs भी हैं और घर में इन दोनों की अक्सर कई बार छोटी मोटी नोकझोंक होती हुई देखी गई है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक सीरियस आर्ग्यूमेंट हो गया है, वो भी खाने को लेकर। जी हाँ, दरअसल हुआ कुछ यूं कि रश्मि सिद्धार्थ से कहती है कि वो कुछ सब्जियां काट दे और सिद्धार्थ कहते हैं कि चाकू धुला हुआ नहीं है और मैं सब्जियां नहीं काटूंगा, सब्जियां काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। और इसी बात को लेकर रश्मि कहती है कि तुम इस तरीके से ऐसे टोन में कैसे बात कर सकते हो जब मैं तुमसे नॉर्मली कह रही हूँ कि सब्जियां काट दो। और सिद्धार्थ इस पर जल्लाते हुए कहते हैं कि जब मैंने कह दिया कि चाकू धुला हुआ नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। सिद्धार्थ बाहर चले जाते हैं और रश्मि अंदर चली जाती है। इसके बाद जब रश्मि खाना बनाना शुरू करती हैं तो वो वापस से सिद्धार्थ के पास आते हैं जो कि शरारत के साथ मिलकर चॉपिंग कर रहे होते हैं। तब रश्मि कहती हैं कि इन्हें थोड़ा छोटा छोटा साइज में काटो क्योंकि इससे फिर ये जल्दी बन जाएंगे और इसके छिलके मत निकालो। सिद्धार्थ कहते हैं कि ये ऐसे भी बन जाएगा और जिनको अलग करना होगा वो बनने के बाद अपना जिस तरीके से चाहिए उनको वो वैसे कर लेंगे। रश्मि कहती है तो फिर इनको चॉप करने की भी क्या जरूरत है, मैं इनको सीधा ही ऐसे पका देती। और इसी तरह से इनके बीच में एक बार फिर से एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।